आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली? भगवान, व्हेन आई केम इनटू अ हिंदू, आई वाज अप्रिशिएटेड, आई वाज रिस्पेक्टेड, आई वाज लव्ड, व्हिच आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन को नहीं मिलता है. स्पेशली व्हेन यू गो इन इन द अदर कल्ट्स, यू डू नॉट गेट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोलने को ये नहीं समझा, गवारा नहीं किया कि वो वहाँ की लड़कियों के स्कूल के लिए, हक के लिए बोल दें। ये बहुत शेमफुल और बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव नैरेटिव है, ख़ास तौर पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए। इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरेगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरेगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्ट. जिंदगियां सस्ते आटे से भी ज्यादा सस्ती हो गई। मुजफ्फरगढ़ में मुअम्मर खातून पैरों थले रौंदी गई। जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया। सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में। थोड़ा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में एक मुस्लिम महिला जो हिंदू धर्म एक्सेप्ट किया उसने, और करने के बाद उसने कई सालों का अपना अनुभव बताया कि उसको कितना कितना मतलब प्यार मिला, आज़ादी मिली. और वही इमरान खान की सोच सामने आई है कि वो तालिबान की सोच रखते हैं. लड़कियों के चाइल्ड एजुकेशन के सवाल को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली. पूरा वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट. यू वर नॉट इन द सेम रिलीजन व्हिच यू आर हैविंग राइट नाउ. तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था, एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं देवर सनातनीज, शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज. उन्होंने अपना उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है. हमने कुरान पढ़ना सीखा, उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी ना, मैंने कभी मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया, लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरेगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरेगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माई दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद impact कर गया. When I grew, जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. And I'll tell you something just triggered, मुझ में trigger हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ. मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम यू नो मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू. ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमन ऑलवेज द यू नो कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन. ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे, मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना, तो मैंने ये बहुत कुछ देखा. एंड सडनली मुझे ऐसा लगा था आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनी मोर. आई गेव अप. नाउ आई गेव अप
उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था. ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन. मैं एक एग्नोस्टिक थी. हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट. आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स. देन आई गॉट मैरिड. मतलब जब मैं मैरिड, आई गॉट मैरिड टू हिंदू, बट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज नेवर इन टू सनातन. आई वॉज नेवर फोर्स्ड इन टू सनातन. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग. वेदर आप एक वुमेन हो, आप एक मैन हो, यू आर नॉट forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी. मतलब they give space and space is very important for me. शायद मेरी मेरे नेचर में है ये, that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद, when I was in my 50s, that is the time when I went into सनातन, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत, यू नो, जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था. देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड. तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की. और मैं, और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. टू नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट चेंजेस यू फेल्ड आफ्टर चेंजिंग योर रिलीजन इन योर लाइफ. या इट इज, मुझे तो देखो अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना रिलीजन, एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे, यू नो, कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही, यू नो, मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली व्हाट. क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहां से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी. No, nothing like that. It took me long years. और मुझे ऐसा लगता है कि those years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की एक already एक individual हूँ जो बहुत ही strong हूँ शायद. तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था. बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women ko nahi milta hai, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. To ye. तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी एक मुस्लिम महिला जिस जो सनातनी बन चुकी है, उससे पाकिस्तानी यूट्यूबर की. और साथ ही साथ इमरान खान का स्टार्टिंग में जो कमेंट था गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, उन्होंने चुप्पी साधी. और इससे पता चलता है कि यार उनकी सोच कहीं ना कहीं कट्टर तालिबानी जैसी सोच के है. कैसे? तालिबान, आपको पता है, तालिबान नहीं चाहता है कि अफ़गानिस्तान में गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन हो. वो, उनका कहना है कि गर्ल्स अगर स्कूल आएंगी, लड़कों के साथ बैठेंगी, तो लड़के डिस्ट्रैक्ट होंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. ये तालिबान की सोच. हो सकता है सही हो उनकी सोच, मेरे हिसाब से तो नहीं है. मुझे नहीं लगता भारत में हो या दुनिया के किसी कोने में हो गर्ल्स बॉयज़, अगर वो ऐसा स्कूल ना हो कि वो गर्ल्स के लिए बस हो, बॉयज़ का बॉयज़ के लिए हो, तो फिर बात अलग है. बाकी गर्ल्स बॉयज़ स्कूल में लड़के लड़कियाँ एक साथ बैठते हैं भैया, ये मतलब, हालांकि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी मुझे, ये तो मुस्लिम महिलाओं जो हिंदू बनी उसके बारे में बात करेंगे. तालिबान की सोच से मतलब थोड़ा बहुत बहुत इंस्पायर्ड है इमरान खान, ये बात सच है. अब मुस्लिम महिला जो बता रही हैं कि उनका किस तरीके से उनका जीवन में बदलाव आया, किस तरीके से वो खुश हैं, तो ये भी एक बात है. बट पाकिस्तान में जो मुस्लिम महिला चारों तरफ मुस्लिम महिलाओं के साथ रह रही है, चारों तरफ उसको वैसा ही माहौल देखना पड़ रहा है, तो वो फिर उस माहौल को अडॉप्ट कर लेगी. उसके लिए नहीं होगा गलत तीन तलाक, उसके लिए नहीं होगा गलत हलाला, उसके लिए नहीं होगा गलत हिजाब पहनना, उसके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी, नहीं होंगी मेरे हिसाब से. क्योंकि उसको लगता है यही सही है. अगर वो मान लीजिए इंग्लैंड में रह रही है, तो वहाँ पर खुले बाल, बाल कलर्ड बाल, है ना, हस्बैंड अगर वो इंडिया, वो देख रही है कि इंडियन वूमेन जो हिंदू वूमेन है उसका एक ही हस्बैंड है, एक ही रहेगा, सात सात जन्मों का इनका बंधन है, तो और वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है, तो डेफिनेटली उसको फिर चुभन होगी कि यार ये मेरा हस्बैंड तीन के साथ रह रहा है, मैं तो इसको बहुत प्यार कर रही हूँ, तो फिर उसके दिमाग में थोड़ा सा उल्टी सोच पैदा होगी. आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें. चैनल को सब्सक्राइब करें.